दोस्तों आज की इस वीडियो में बनाने वाले मिनी वाटर पंप जब देख सकते हैं मेरे हाथ के कंपेरिजन में कितना छोटा है। इस वाटर पंप को बनाना काफ़ी आसान है, इसे और कोई बना सकता है। हाँ, ये काफ़ी कम रेट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। हाँ तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया गया। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। और चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, नहीं तो अभी आपको समझ में आएगा। हाँ तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया गया। चलिए दोस्तों, इस वाले पावरफुल वाटर पंप को बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा 1 इंच मोटा पीवीसी पाइप। जब देख सकते हैं ये पाइप आपको हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं साइड। अब लेंगे कुछ ही प्रकार का डीसी मोटर। ये मोटर आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 10 से 15 रुपये में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं साइड। अब लेंगे कुछ ही प्रकार का वायर जब देख सकते हैं। तो चले फटाफट बनाना शुरू करते वाटर पंप को। दोस्तों आप लेंगे पाइप को, इसमें से हमें कट करना होगा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे कट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे पहले कट कर लिया हूँ। तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब लेंगे एक पीवीसी शीट। मैंने इस पाइप को बीच से काट के ऐसे हीट करके मैंने बनाया एक पीवीसी शीट। अगर आपको पीवीसी शीट बनाना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब लेंगे इस पाइप को इस शीट के ऊपर रखकर ऐसे बाईं साइड से मार्किंग लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लगा दिया मार्किंग को। ये जो पाइप का अंदर वाला एरिया है इसके साइज का यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए मैंने कट किया है एक छोटा सा पीवीसी पाइप का टुकड़ा है जो इसी का साइज का है। तो मैं यहाँ पे रखकर ऐसे अंदर से लगा देंगे मार्किंग। तो चलिए से फटाफट कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो चलिए इसे सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग भी दे देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग दे दिया है। अब लेंगे सबसे छोटे वाला पीस को और उसके बाद लेंगे ये डीसी मोटर। ये जो मोटर का शाफ्ट है बिल्कुल इसी के साइज का ये छोटे वाला पीस में होल करेंगे। तो चलिए और कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें और कर दिया है। तो अब लेंगे डीसी मोटर, ऐसे कुछ ही प्रकार से इसे चिपका देंगे सुपर ग्लू की मदद से। तो चलिए चिपका लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे चिपका दिया सुपर ग्लू की मदद से। तो अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक जो पानी उठाने का काम करता है प्रोपेलर, चलो उसे बना लेते हैं। दोस्तों इस प्रोपेलर को बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा इस टाइप का गोल सर्कल जो हमने कट किया है पीवीसी शीट से, जिस तरह मैंने कट किया है। आप चाहें तो इस तरह कट कर सकते हैं। अब लेंगे कुछ ही प्रकार का रिफिल, आप निकाल सकते हैं खराब पेन से। तो इसमें से छोटा सा पीस कट करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे कटिंग कर लिया है। अभी जो पीस देख रहे हैं ये इसकी साइज का इसमें होल करना होगा, ताकि इसे हम इसमें लगा सकें। तो चलिए इसमें होल कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें होल कर दिया है, ये कितना आसानी से लग जा रहा है। उसके बाद हमने कट किया है ये छोटा छोटा पीस है, ताकि इसे हम लगाएंगे किनारों पे। तो चलिए इसे फटाफट चिपका लेते हैं। हमने इसे अच्छे से चिपका दिया फेविक्विक की मदद से। तो ये जो निकले हुए एक्स्ट्रा पार्ट इसे सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग दे देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग दे दिया है। तो इसे कहते हैं साइड। अब लेंगे मोटर और उसके बाद लेंगे वायर को। इस वायर को इस मोटर पे जोड़ देंगे, आप इस वायर को उल्टा भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए फटाफट इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सोल्डर कर दिया मोटर पे इस वायर को। अब उसके बाद लेंगे इस प्रोपेलर को ऐसे लगा देंगे मोटर में। अब ये जो हमने कट किया था पीवीसी पाइप, अब इसे लेंगे। ये जो मोटर है इस पे मैंने चिपकाया था पीवीसी पाइप का सीट, बिल्कुल उसके सिदाई पे एक लगाना होगा मार्किंग। ये जो हमने मार्किंग लगाया है और ये जो पेंसिल है इसके बिल्कुल इसके बराबर करना होगा सिदाई में करने के बाद, और इसे लगाना होगा अंदर से मार्किंग। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें लगा दिया मार्किंग को अंदर से। अब मोटर को लेंगे और इस प्रोपेलर को निकाल देंगे। अब इसे अंदर से लगा कर इसे चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे चिपकाया था फेविक्विक की मदद से, तो ये अच्छे से सूख चुका है। अब लेंगे ये बड़ा वाला सीट और इसके लगाएंगे पीछे। तो उससे पहले ये जो वायर है इसके साइज का इसमें होल करना होगा, चलिए कर लेते हैं होल। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें होल कर दिया है, हाँ तो चलिए इसे फटाफट चिपका लेते हैं। मैंने इसे चिपकाया था तो बिल्कुल अच्छे तरीके सूख चुका है। अब लेंगे कुछ ही प्रकार का पाइप। अगर आपको ये पाइप ना मिले तो आप ले सकते हैं पेन का पाइप, वो भी अच्छा वर्क करेगा। इस पाइप को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए कटिंग करना होगा इस पाइप को, तो चलिए कट कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे पहले कट कर लिया हूँ। ये जो है ये बिल्कुल सीधे है, तो इसको थोड़ा सा गोला काट देना होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है फिर से वही पाइप जो हमने लिया था। और उसके बाद लेंगे एक छोटा सा सैंड पेपर, ऐसे कुछ ही प्रकार से रख कर ऐसे इस प्रकार से घिस देंगे। हमने इसे सैंड पेपर से घिस कर इसे गोलाकार दे दिया है। अब इस पाइप को यहाँ पे चिपका देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे होल नहीं किया हूँ तो पानी कहाँ से आएगा, तो इसे चिपकाने के बाद इसमें होल करेंगे तो बिल्कुल इसका परफेक्ट होल होगा और पानी भी अच्छी आएगी। मैंने इसे चिपकाया था तो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो चलिए इसे होल कर लेते हैं। उससे पहले ये जो इसका प्रोपेलर है इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लॉक का टूट भी सकता है, तो इससे पहले इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने इसे निकाल दिया है, तो चलिए इसे होल कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे होल कर दिया है, तो चलिए इसकी थोड़ा सफाई कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी सफाई कर दी है। और उसके बाद लेंगे इस प्रोपेलर को ऐसे में लगा देंगे। हाँ तो आप देख सकते हैं हमने इसे लगा दिया है। आइए इसमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल देंगे ताकि इसकी भी पकड़ बनी रहे। दोस्तों याद रहे मोटर में न चली जाए, नहीं तो मोटर खराब हो सकती है। अब लेंगे दूसरा वाला पीस जो हमने कट किया था, इस पीस को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। उससे पहले जो पानी को अंदर की तरफ खींचेगा उसके लिए होल करना होगा, चलिए होल कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे होल कर दिया ड्रिल मशीन की मदद से। अब इसे इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। हमने इसे चिपका दिया है, अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इसे चिपकाया था तो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो सिर्फ इसकी बाकी स्टैंड, इस स्टैंड को मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा, तो चलिए चिपका लेते हैं फटाफट। दोस्तों मैंने स्टैंड को चिपकाया था तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो चलिए इसे फटाफट फिनिशिंग दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने इसे सैंड पेपर से घिस का फिनिशिंग दे दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इस पर कलर भी कर सकते हैं। अब ये हमारा वाटर पंप बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे फटाफट टेस्टिंग करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, तो चलिए इसे फटाफट टेस्टिंग करते हैं, चलिए है।